कुरान बताता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तख्ते बल्कीस चाहिए। एक जिन खड़ा हो गया, ये खिदमत मैं सर अंजाम देता हूँ, कब तक लेकर आओगे? उसने कहा दोपहर तक ले आऊंगा, मदरस बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त हाजिर कर दूंगा। और वो कोई डबिया नहीं थी कि जेब में डाल के ले आनी हो, तख्त इतना बड़ा था कि 60 हाथ चौड़ा था, 80 हाथ लंबा था और कई हाथ मोटा था। 7 कोठरियों में मुकफ्फल था, पहरेदार खड़े थे, एक महीने की मसाफत पे था। उसको जेब में भी डाल के लाना हो तो फिर भी 2 माह चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा तख्त उसको वहां से लाना कोई तमाशा लबे बाम तो नहीं था। लेकिन जिन ने कहा हजरत मैं मजलस बर्खास्त होने से पहले पहले वो तख्त हाजिर कर देता हूं। कुरान ने सारी तफसील सूरह अन-नमल में बयान की। अब कितनी बड़ी पेशकश थी, लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। फिर वो उठा जिसके सीने में किताबुल्लाह का इल्म था, काल अल्लाज़ी इंदहू इल्म मिनल किताब। मुफस्सरीन ने उनका नाम आसिफ बिन बरखिया बताया है, जो हजरत सुलेमान का सहाबी था। उसने कहा हजरत मैं ये सादत अपने जुम्मे लेना चाहता हूं, आपको अगर जल्दी चाहिए तो मैं ले आता हूं। तो आपने फरमाया वो तो दोपहर तक का टाइम दे रहा है, बताओ तुम कब लाओगे? तो वो शख्स जो जबूर का आलिम था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, वो बोला आना आती का बेही कबला यर्तद्दा इलैका तरफुक, हुजूर आप आंख बाद में झपकेंगे, तख्त पहले हाजिर होगा। और हजरत सुलेमान ने अभी आंख झपकी नहीं थी, तख्त सामने पड़ा हुआ था। बेसाख्ता पुकारा हाजा मिन फदल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि जिसने मेरे मानने वाले को ये रूहानी ताकत और तवानाई नसीब कर दी। मैं आपसे कहता हूं कि हजरत सुलेमान के उम्मती की ये शान है कि एक महीने की मुसाफत पर पड़ा हुआ तख्त आंख झपकने से पहले हाजिर कर देता है, और खुद सुलेमान मुक्तदी बन के मस्जिद अक्सा में जिस इमाम के पीछे खड़े हों, उस इमाम की शान का आलम क्या होगा, उनकी रिफतों का आलम क्या होगा। तो ये एक इम्तिहान है मेराज, और मेरे और आपके आका और मौला की अजमतों को मानने वालों ने कहा कि ये बईद नहीं है, अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम को जहां चाहे जितने वक्त में चाहे ले जा भी सकता है, और अल्लाह की दी हुई ताकत से महबूब वापस पलट के आ भी सकते हैं। लोगों ने यह कहा कि जिस्म इतनी सुरात के साथ अगर महवे सफर हो तो तहलील हो जाए, तो मियां तख्त सुलेमान तहलील नहीं हुआ, और ये हजरत सुलेमान के मुक्तदी की तख्त बल्कीस जो है वो तहलील नहीं हुआ, और ये हजरत सुलेमान के मुक्तदी की रूहानी कुव्वतों का करिश्मा है। तो जब उनके मुक्तदी की कुव्वतों का ये करिश्मा है तो उनके इमाम की ताकतों का आलम क्या होगा और रिफतों का आलम क्या होगा। बाकी ये दावा मेरे रब का है, सुभान अल्लज़ी असरा बे अब्दे, वो जात पाक है जिसने अपने अब्दे खास को सैर कराई।